पाकिस्तान में आर्थिक संकट है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में जरूरी इस्तेमाल की सामग्री और तो और अनाज के भाव भी आसमान छू रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कमजोर मुल्कों में गिना जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की जुगाड़ में लग गया है। पाकिस्तान को सुरक्षा पावर बढ़ाने के लिए चीन उसकी इसमें मदद कर रहा है। पाकिस्तान हवाई सुरक्षा में भारत से आगे निकलने में लगा है, इसलिए बड़ी डील करने वाला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स यानी कि पीएफ ने चीन के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट FC-31 को खरीदने का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि इससे पाकिस्तान एयरफोर्स भारत से कई साल आगे निकल सकता है। पाकिस्तान वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी एयर कमोडोर जिया उल हक शशमी के मुताबिक अगर पाकिस्तान FC-31 का अधिग्रहण कर लेगा तो वो भारत से 12 से 14 साल आगे निकल जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना पर रणनीतिक लाभ मिलेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर ने कथित तौर पर पिछले साल एक कार्यक्रम में ये कहा था कि FC-31 जल्दी एयरफोर्स में शामिल होगा। उन्होंने कहा था कि FC-31 के अधिग्रहण को लेकर पहले बातचीत हो चुकी है, जो जल्दी पाकिस्तानी वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि PAF ने FC-31 पर प्रशिक्षण के लिए पायलट के एक समूह को चीन पहले ही भेज दिया है। वहीं अगर पाकिस्तान ऐसा कर पाता है और पाक में FC-31 ले आता है तो भारत के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी भारत के पास चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। हालांकि राफेल और तेजस को अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना FC-31 का मुकाबला करने के लिए पांचवी पीढ़ी का विमान खरीदने की योजना नहीं बना रहा। इसकी जगह भारत खुद के अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।